इस वीडियो में हम जानेंगे थायमिन विटामिन B1 के बारे में। थायमिन को एंटी न्यूरोटिक विटामिन भी कहते हैं। इट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन बिलोंगिंग टू विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये वाटर सोल्यूबल पानी में घुलनशील होने वाला विटामिन है और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर अल्कोहल सब में अघुलनशील डिजॉल्व नहीं करता है। द ह्यूमन बॉडी इज अनेबल टू प्रोड्यूस एंड स्टोर थायमिन सो इट मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट डेली। जो हमारा शरीर है वो थायमिन को नहीं बनाता है या स्टोर करता है, सिर्फ कुछ ही मात्रा में ये लीवर में स्टोर होते हैं। इसीलिए हमको हमारे डाइट के थ्रू हमारे शरीर को प्रतिदिन देना चाहिए। दिस विटामिन इज डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। ये विटामिन जो है वो गर्म करने से नष्ट हो जाता है। सोर्सेस ऑफ थायमिन यीस्ट सीरियल्स स्पेशली व्हीट पीनट्स अदर लेगुमिनस सीड्स मिल्क एंड एग में थायमिन होते हैं। खमीर अनाज स्पेशली गेहूँ और पीनट्स मूंगफली और जितने भी लेगुमिनस बीज हैं दूध और अंडे में ये पाए जाते हैं। डेली अलाउंसेस थायमिन इज मेजर्ड इन मिलीग्राम और माइक्रोग्राम। थायमिन को मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में मापा जाता है। 1000 कैलोरीज में हमको 0.5 मिलीग्राम थायमिन लेना चाहिए। डेली मैन को 1.2 मिलीग्राम और वुमेन को 1.1 मिलीग्राम थायमिन लेना चाहिए। फंक्शन इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ। यह विकास वृद्धि के लिए जरूरी होता है। इट हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एज इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये कार्बोहाइड्रेट चयापचय में सहायक करता है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में उत्प्रेरक की तरह काम करता है। दिस विटामिन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट्स नर्व्स एंड मसल्स। ये विटामिन हृदय नस और मांसपेशियों का नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये विटामिन जरूरी है। मान्य भूख के लिए भी ये जरूरी है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 ए वेरी लो इंटेक ऑफ थायमिन लीड्स टू बेरीबेरी ए डाइट्री डेफिशिएंसी डिजीज। It is characterized by degeneration of nerve tissues, especially in the arms and legs, muscle weakness, heart disease, edema, and eventually paralysis. Thymine के कमी के कारण हमको बेरीबेरी रोग होगा, जिसका लक्षण है कि हमारा तंत्रिका ओटर का अधपतन होना, ज्यादातर especially arms और leg में, और muscle weakness, मांसपेशियों का कमजोर होना, दिल की बीमारी और इन्फ्लामेशन सूजन और अंततः पक्षाघात और पैरालिसिस होता है और शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ सांस का छोटा होना। बेरीबेरी इज क्लासिफाइड एज वेट बेरीबेरी एंड ड्राई बेरीबेरी। वेट बेरीबेरी अफेक्ट्स द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो वेट बेरीबेरी होता है वो हमारा दिल हृदय और हमारा परिसंचरण प्रणाली के ऊपर प्रभाव गिराता है। ड्राई बेरीबेरी डैमेज द नर्व्स एंड मसल्स। जो ड्राई बेरीबेरी होता है हमारा नस और हमारा मांसपेशियों को डैमेज कर देता है। नॉर्मली ए ब्रेस्ट फेड इन्फांट इज वेल नूरिश्ड एंड हेल्दी एंड मोर्टालिटी इज वेरी लो। बट व्हेन द मैटरनल डाइट इज लो इन थायमिन द ब्रेस्ट मिल्क इज ऑल्सो वेरी पुअर इन इट एंड द इन्फांट डेवलप इन्फेंटाइल बेरीबेरी with symptoms like vomiting, edema, wasting and apnea, crying without producing audible sound. सामान्य रूप से स्तनपान करने वाला शिशु स्वस्थ well nourished अच्छी तरह से पोषित होता है और मोर्टालिटी मृत्यु हार भी कम होता है। लेकिन जब माँ के आहार में थायमिन कम होगा तो ब्रेस्ट मिल्क उसमें भी उसकी मात्रा कम हो जाता है और जो इन्फेंट है बच्चा है वो इन्फेंटाइल बेरीबेरी का शिकार हो जाता है। इसका सिम्टम है उल्टी सूजन वास्टिंग मतलब बोटक सब खराब हो जाता है और एफनिया बिना साउंड प्रोड्यूस करके रोना।